क्लास ट्वेल्थ के स्मार्ट सुपर स्मार्ट स्टूडेंट्स और क्लास के लेवल प्यारे बच्चों, हम लोग आप लोगों के लिए सतत मेहनत करते रहते हैं। मैं इस विद्यालय में 2013 में आया, शायद ये बैच उस समय क्लास थर्ड में होगी। जब यहाँ बच्चा क्लास में फर्स्ट में इंटर करता है, क्योंकि मैं एडमिशन चार्ज हूँ, मुझे मालूम है कि कई सारे बच्चे जब छोटे आते हैं तो उनकी मदर फादर रोते हुए बच्चों को लेके आती हैं। कई बार उनको स्कूल जाने का प्रैक्टिस नहीं है, हमारे प्राथमिक विभाग के शिक्षक उनको रेडीनेस प्रोग्राम देते हैं, बच्चों के प्रति एक एसोसिएशन देते हैं, एक भावना उनमें डेवलप करते हैं और धीरे धीरे करके भावना हमारे बीच में क्लास 6-8 के जो मिडिल क्लास के टीचर्स हैं वो उनके अंदर भावनाएं डेवलप करते हैं, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को तैयार करते हैं। धीरे धीरे करके वो बच्चे 9-10 को क्रॉस करते हैं और फिर धीरे से वो हम लोगों के पास 11-12 में आते हैं। और आज हम उन बच्चों को उस लायक बना रहे हैं कि वो शिक्षा क्षेत्र में दूसरे भाग यानी स्कूल एजुकेशन के साथ कंप्लीट करके अब वो कॉलेज एजुकेशन के लिए जाएंगे। मैं आज इस मौके पर कुछ उनको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। बेटे देखो, जीवन में आपको सबसे पहले नाम से पुकारने वाला अगर कोई टीचर है तो वो केवल स्कूल के ही टीचर रहेंगे। आप कॉलेज में जब भी जाओगे तब नाम के लिए भी तरसते रहोगे कि आपको कहीं शायद आपका शिक्षक आपको नाम से पुकारे। ये सिर्फ हमारे यहाँ विद्यालय के शिक्षकों का और आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग का काम है, एक जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। हम लोग कई बार आप लोग के यहाँ क्लासेस लेते हैं, रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी बातें हम आपको सिखाते हैं, जीवन के कई पार्ट आपको पढ़ाते हैं और साथ साथ में हम लोगों के द्वारा जो भी बातें आपको बताई जाती है वो जीवन में आपके लिए बहुत ही अहम रहेंगी, आपका आने वाले भविष्य के लिए वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मैं ये मानता हूँ कि ड्यूरेशन में हम लोग भी आपसे काफी चीजें सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये वन साइडेड टीचिंग लर्निंग है। हम भी आप लोगों से काफी कुछ बातें सीखते हैं कि भाई ये आज के बच्चों का जो परिवेश हो गया है, विगत 2-3 वर्षों से एजुकेशन जो डिक्लाइनेशन हुआ है उसका परिणाम हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं। लेकिन अब हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि रेस्ट जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। मुझे इस वक्त पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के शब्द याद आते हैं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारे प्रयासों में कोई कमी न रखे। मैं सर को भी आश्वस्त करता हूँ कि सर इस बार का बैच भले हमें थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सभी बच्चे अच्छा काम करेंगे और 100% सर ध्यान देंगे, सभी बच्चे मेरा सभी बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे। सर को आश्वस्त करना, मैं आपकी तरफ से सर को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरे स्टाफ को आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस बार सभी बच्चे 100% रिजल्ट देंगे। क्या सहमत है सभी? तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई में आप जो है अथक मेहनत लानी है, अथक परिश्रम करना है और जो रेस्ट बचा हुआ टाइम है उसका सदुपयोग आपको करना है। मैं इस स्टेज पे स्वामी विवेकानंद जी की वो बातें भी आपको बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, ये बात जरूर ध्यान देना विवेकानंद जी की, उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी ये जो लक्ष्य की जो बात है ये केवल 12th तक ही नहीं है, आपके दूसरा कॉलेज एजुकेशन तक भी रहेगा, इसके बाद भी आप लोग जब भी जॉब सिक्योर करेंगे तब तक भी रहेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें। और यहाँ जब भी इस केंद्रीय विद्यालय संगठन की या हमारे स्कूल की आपको रिक्वायरमेंट हो, ये दरवाजे आपके लिए सदा हमेशा खुले हैं। आप कहीं हायर पोस्ट भी पहुंचे हैं तो भी इधर पलट के जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है हम लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे लेकिन आप लोग जरूर हमें पहचान लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी आप कहीं भी किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति, अभी एग्जाम ड्यूरेशन में भी आपको ट्रबल्स लगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, हम लोगों के सबके मोबाइल नंबर भी रहेंगे आपके पास, बातचीत जरूर करें और बढ़िया से इस बार CBSE का 12th का रिजल्ट आप लोग प्रोवाइड करेंगे। और मैं इस वक्त पे आपको एक दो मूल मंत्र जो खास तौर से हमारे जो यहाँ 24 कैरेट के जो रत्न है उनको बोलूंगा कि हमारे बीच का एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप प्लीज जरूर यहाँ आइए और आपके अपने जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको दूर करें।
दूसरा मेंटल पीस रखें। सबसे बड़ी चीज, बहुत बच्चे यहाँ एग्रेसिव हैं, वो एग्रेसिव पर नहीं होना चाहिए आप में, और ये आपके पर्सनालिटीज में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का मेन मोटिव जो है वो एक अच्छा इंसान बनाना है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, आप पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से भी पास हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने परिवार के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं या आपके मिलने जुलने वालों से अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये पढ़ाई हमारी निरर्थक रहेगी। इसलिए बच्चों, हम आज पहली से जो 12th तक के हमारे सारे शिक्षक साथी आपके ये स्टैचू को डेवलप करने में लगे हैं, ये जो एक बहुत बेहतरीन स्टैचू आज हमें दिख रहा है, रीलाइंड होकर के आप लोग सभी अच्छे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने बिहेवियर में भी इंटरनल जो फीलिंग है उसमें भी ये बात आने दें, और आगे आपने जो भी लक्ष्य आपका निर्धारित किया होगा वो जरूर प्राप्त करेंगे। आपको मैं मेरी ओर से, मेरे साथियों की ओर से, और खास तौर से दो तीन साथियों के मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं, उसमें बागड़ी सर, पाराशर सर, चौहान सर, उन्होंने भी आपको स्पेशल विशेष दिए हैं, शायद कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होंगे, और हमारे सभी साथियों की ओर से तो मैं आपको शुभकामनाएं दे ही रहा हूं। और मैं लास्ट इन चार लाइनों के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे सारे ये वीर सभी लड़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।